इस्लामिक बिजनेस क्या होता है, इस्लामिक में कौन कौन सा बिजनेस अलाउ है और नॉन इस्लामिक बिजनेस क्या होता है, इस्लाम में कौन कौन से बिजनेस अलाउ नहीं है। ठीक है, हर वो कारोबार जो समाज में किसी तरीके से बिगाड़ पैदा करे, ओके, बुराई को बढ़ावा दे, ओके, ठीक है, बिगाड़ पैदा करे, बुराई को बढ़ावा दे, जिससे समाज में गंदगी फैले, ओके, वो बिजनेस नॉन इस्लामिक यानी कि हराम बिजनेस में शुमार हो जाएगा। लिस्ट बहुत लंबी है, उलेमा इस पे गुफ्तगू करते रहते हैं अक्सर, शायद हम उसमें आज गुफ्तगू नहीं कर पाएंगे, लंबा वक्फा हो जाएगा उसमें, लेकिन हर वो बिजनेस जो गलत है, गुमराही की तरफ लेके जाता है, समाज में बिगाड़ पैदा करता है और गंदगी फैलाता है, वो बिजनेस नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई नाज़रीन। जैसा कि आपने सुना कि बहुत ही मुख्तसर अंदाज में, बहुत ही कम अल्फाजों में फवाद साहब ने इस बात को वाज़े कर दिया कि इस्लामिक बिजनेस कौन सा होता है, नॉन इस्लामिक बिजनेस कौन सा होता है। हर वो काम जिसके करने से, वो बिजनेस जिसके करने से माशरे के अंदर और समाज के अंदर बुराई फैलती है, वो इस्लामिक नहीं हो सकता। तो कोई भी काम अगर आप शुरू कर रहे हैं और आपके दिल में जरा सा भी खटक पैदा होती है, जरा सा भी आपके दिल में शंका आती है, संकोच होता है कि इस काम को करने से समाज बिगड़ता है, तो याद रखिए वो इस्लामिक नहीं हो सकता। आप रहनुमाई ले सकते हैं मजीद उलमा से इसके ऊपर। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।